है, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, प्रशासन तंत्र में जवाबदेहिता। जब प्रशासन तंत्र में जवाबदेहिता पढ़ेंगे सबसे पहले इसका अर्थ जान लेंगे, मीनिंग अर्थ जानेंगे कि आखिर इसका अर्थ क्या है, अर्थ किसका जवाबदेहिता। क्योंकि प्रशासन तंत्र ये तो पढ़ा ही था, अब अर्थ जान लेंगे जवाबदेहिता का। ठीक है, जवाबदेहिता तो कह लीजिए या उत्तरदायित्व या प्रतिदायित्व, जवाबदेहिता उत्तरदायित्व या प्रतिदायित्व, दरअसल तीनों ही क्या है, समानार्थी हैं। मगर कुछ विद्वानों ने इनमें भी कुछ अंतर खोजे हैं, उस अंतर को भी समझ लेंगे, ये भी देख लेंगे, ये तीनों ही हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है, तीनों पे ही चर्चा करेंगे, जवाबदेहिता उत्तरदायित्व और प्रतिदायित्व के बारे में। ठीक है, फिर जवाबदेहिता के सिद्धांत की बात करेंगे। सिद्धांत को भी पढ़ेंगे। जवाबदेहिता के लिए अंग्रेजी में अकाउंटेबिलिटी शब्द का इस्तेमाल होता है। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेहिता के सिद्धांत, फिर देखेंगे जवाबदेहिता के प्रकार। जवाबदेहिता के प्रकार, दरअसल जब जवाबदेहिता के प्रकार की बात करेंगे तो ये देखेंगे कि जो सिविल सेवक है, सिविल सेवक है किसके प्रति जवाबदेह है। ये सिविल सेवा की बात कर रहे हैं ना, सिविल सेवकों को पढ़ रहे हैं, तो सिविल सेवक किसके प्रति जवाबदेह है उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, तो जवाबदेहिता के प्रकार जैसे विधायिका हो गई, विधायिका की बात कर लेंगे इसमें, विधायिका दूसरा कार्यपालिका न्यायपालिका और जनता, जनता के प्रति भी तो नहीं नहीं है, जनता के प्रति भी है। ठीक है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और फिर सिटीजन पब्लिक, इनके प्रति भी तो जवाबदेहिता को जानेंगे एक सिविल सेवक की, वही पढ़ लेंगे। फिर देखेंगे कि प्रशासनिक जवाबदेहिता में या इसको स्थापित करने में समस्याएं, प्रशासनिक जवाबदेहिता को स्थापित करने में वो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं उनका जिक्र कर लेंगे। समस्याएं, ठीक है, और फिर अंत में देख लेंगे प्रशासनिक जवाबदेहिता को बढ़ाने के उपाय, बढ़ाने के उपाय क्या क्या। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें इतना ही पढ़ना होगा, प्रशासन तंत्र में जवाबदेहिता। और जब उपायों की बात करेंगे तो उसमें
प्रभावी उपकरण के तौर पे हम सिटीजन चार्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो अगला टॉपिक रहेगा, उसका जिक्र बाद में करेंगे। देख लीजिए तुरंत, लिख लिया, चलो तो अर्थ समझ लेंगे। जवाबदेहिता का सबसे पहले क्या है, तो जब जवाबदेहिता का अर्थ की बात करते हैं तो वैसे सामान्य अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि अपनी कृत्य का औचित्य सिद्ध करना, एक व्यक्ति भी हो सकता है वो और एक संगठन भी हो सकता है, जो अपने कृत्यों का औचित्य सिद्ध करे, अपने कृत्यों का औचित्य सिद्ध करे तो वह उसकी जवाबदेहिता है। सामान्य अर्थों में ये है, तो ये छोटी सी परिभाषा नजर आ रही है, इससे लग रहा है कि धुंधला सा सिर्फ इतना नजर आ रहा है कि हाँ एक कृत्य की बात हो रही है और कृत्य का औचित्य क्या है, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। जैसे आपको कोई कार्य मिला कि भी सबको ये प्रसाद वितरण कर दीजिए, भंडारे में आप जो है शहीद के प्रसाद वितरण करना, ये आपका काम है, ठीक है, तो आपका कृत्य क्या है, प्रसाद बांटना, उसका औचित्य क्या है, उद्देश्य क्या है कि सभी लोगों को प्रसाद मिले, यही तो आपका औचित्य है ना, प्रसाद बांटना मतलब कोई भी छूटे नहीं, सभी लोगों को प्रसाद मिले, अगर छूट गया तो जवाब किससे मांगा जाएगा, आपसे, और यही जवाब मांगना जवाबदेहिता है, ठीक है, यही जवाब मांगना जवाबदेहिता, मतलब जिम्मेदार आप हैं, ये जिम्मेदारी आपकी, जवाबदेहिता आपकी बनती है, कोई कैसे छूट गया, आपको अपने कृत्यों का औचित्य सिद्ध करना था, तो कृत्यों का औचित्य सिद्ध करना ही जवाबदेहिता है। एक छोटी सी परिभाषा है, कृत्यों का औचित्य सिद्ध करना क्या है, जवाबदेहिता, ये बड़ी सूक्ष्म परिभाषा है, अभी आगे व्यापक करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, अंतर भी देखेंगे उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता में क्या है। फिलहाल ये क्लियर हुआ कि कृत्यों का औचित्य सिद्ध करना, उदाहरण देके सही बताया, ठीक है, अगर आपने सभी को प्रसाद दिया तो ठीक है, अच्छी बात है, और एक भी छूट गया तो फिर जवाबदेही आपकी तय होगी, ठीक है, तो कुल मिला के क्या है, एक और शब्द निकल रहा होगा कि भाई जो प्रसाद लेने वाले हैं तो अपेक्षा कर रहे हैं कि नहीं, वो अपेक्षा कर रहे हैं कि प्रसाद मिले, तो जब जवाबदेहिता की बात आती है तो इसमें क्या है, अपेक्षाएं उभर के आती हैं, तो जो अपेक्षाएं हैं हम कह सकते हैं अपेक्षाएं ही जन्म देती हैं जवाबदेहिता, नहीं भाई सबकी अपेक्षाएं थी कि सबको प्रसाद मिले, ठीक, ये अपेक्षाएं है ना, एक को भी नहीं मिला, मान लीजिए उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं मिला तो जन्म देगी जवाबदेहिता, क्यों नहीं मिला, आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी जवाबदेहिता है, आपसे पूछा जाएगा क्यों नहीं मिला बताइए, तो वही है जवाबदेहिता जिसको आपको बताना है, क्योंकि आपका
लक्ष्य क्या है इसमें? कृत्य का औचित्य सिद्ध करना, क्या उद्देश्य है? कृत्य मतलब काम जो मिला है आपको, टास्क जो मिला है, औचित्य मतलब लक्ष्य क्या है उसका, ठीक है, इसको सिद्ध करना ही जवाबदेहिता है। ये सूक्ष्म परिभाषा है, ठीक, इसके बारे में दो लाइन लिख लेंगे, इसे साथ साथ लिखाते हुए चलूंगा, ठीक है, लिख लीजिए। प्रशासन में जवाबदेहिता, प्रशासन में जवाबदेहिता और पारदर्शिता को, और पारदर्शिता को विश्व बैंक ने सुशासन की अनिवार्य शर्त बताया है। विश्व बैंक ने सुशासन की अनिवार्य शर्त बताया है, वहीं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी, वहीं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी यह स्पष्ट किया है कि भारतीय प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या, जवाबदेहिता का अभाव है, तो जो जवाबदेहिता का भी एग्जाम्पल दिया तो उससे तो नजर आ जाएगा कि व्यक्तिगत है, ठीक है, मगर जब हम लोक सेवा को पढ़ रहे हैं, लोक सेवक को पढ़ रहे हैं, तो किसी एक व्यक्ति के लिए थोड़ी ना है जवाबदेहिता, किसी एक व्यक्ति के लिए थोड़ी ना है। जैसे आपने देखा जवाबदेहिता के प्रकार, तो उसमें विधायिका भी, कार्यपालिका को भी, न्यायपालिका को भी, और फिर जनता को भी। तो जवाबदेहिता एक व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामुदायिक भी हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है। तो ये है व्यक्तिगत और सामुदायिक भी हो सकती है, ठीक है, यह व्यक्तिगत और सामुदायिक भी हो सकती है। आगे लिख लेंगे, नई लाइन से लिखना। सामान्य अर्थों में जवाबदेहिता, सामान्य अर्थों में जवाबदेहिता अपने कृत्य के, औचित्य को सिद्ध करना, है, यह है व्यक्तिगत भी, सामुदायिक भी हो सकती है, आप मुझे बताइए क्या ये राजनीतिक और प्रशासनिक नहीं हो सकती? हो सकती, ठीक है, तो ये है राजनीतिक और प्रशासनिक भी हो सकती है। ये लिख लेंगे अगली लाइन, ये है राजनीतिक और प्रशासनिक भी हो सकती है।
अब मुझे बताइए कि अगर जब हम लोक सेवा के संदर्भ में बात करते हैं, लोक सेवा के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं प्रशासनिक जवाबदेहिता की, तो इसमें केंद्र में किसको रखा जाता है? प्रशासनिक जवाबदेहिता को रखा जाता ना। जब लोक सेवाओं में जवाबदेहिता की बात करेंगे तो केंद्र में रखा जाएगा प्रशासनिक जवाबदेहिता को, नहीं? और अगर हम राजनीति की बात करेंगे तो केंद्र में रखा जाएगा राजनीतिक जवाबदेहिता को, ठीक है? और जब हम लोकतंत्र की बात करेंगे तो जनता, जनता नहीं आएगी ना, जनता के प्रति भी तो जवाबदेहिता आएगी, तो जनता की को रखा जाएगा, ठीक है? तो आगे लिख लीजिए एक लाइन और, प्रशासनिक जवाबदेहिता को साथ में लिखते चलेंगे, ठीक है? प्रशासनिक जवाबदेहिता को अलग इसी में लिखेंगे, लोक सेवाओं के संदर्भ में, इसी में अगला बिंदु, लोक सेवाओं के संदर्भ में, लोक सेवाओं के संदर्भ में हम प्रशासनिक जवाबदेहिता को केंद्र में रखते हैं, हम प्रशासनिक जवाबदेहिता को केंद्र में रखते हैं, केंद्र में रखते हैं। अब देख लेंगे प्रशासनिक जवाबदेहिता का अर्थ क्या है, यह है क्या है? यही उसको डिफाइन करते चलेंगे, प्रशासनिक जवाबदेहिता। तो लिख लेंगे प्रशासनिक जवाबदेहिता से तात्पर्य उसी डेफिनेशन को ध्यान में रखेंगे जो स्टार्टिंग में बताए थे, कर्तव्य का औचित्य सिद्ध करना, ठीक है? तो जब लोक सेवक की बात आती है, प्रशासनिक जवाबदेहिता की बात आती है, तो लोक सेवक के कर्तव्य, ठीक है, निर्णय उसके संपादिता, ये सब चीजें जो है शामिल की जाएगी, इनका औचित्य क्या है, वही क्या है उसकी जवाबदेहिता है, प्रशासनिक जवाबदेहिता है। तो लिख लेंगे अगली लाइन में, इसी में तात्पर्य, एक लोक प्रशासक द्वारा अपने निर्णयों और संपादित कार्यों के, अपने निर्णय और संपादित कार्यों के औचित्य को स्थापित करना या सिद्ध करना, औचित्य को स्थापित या सिद्ध करना, ठीक है? औचित्य को स्थापित या सिद्ध करना। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो डेफिनेशन है थोड़ी संकुचित है, क्या सिर्फ उसकी एक जो लोक प्रशासक है उसकी कर्तव्य या उसके निर्णय फैसले या उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं सर वही उसकी जवाबदेहिता है? नहीं, क्या वही तो जवाबदेहिता नहीं है सर? इतना ही नहीं कह सकते कि जो है एक आईएएस या एक ब्यूरोक्रेट से एक लोक प्रशासक जो है उसको जो उसने जो फैसला लिया उसकी जो निर्णय है और जो कार्य वो कर रहा है तो क्या सिर्फ इतनी ही उसकी जवाबदेहिता बनती है? तो सिर्फ इतनी ही नहीं बनती है, इससे बढ़ के भी है, इससे बढ़ के भी है, और वो क्या क्या है उसको भी देखेंगे, ठीक? तो आगे लिख लीजिए इसमें, लेकिन यहां प्रशासनिक जवाबदेहिता, लेकिन यहां प्रशासनिक जवाबदेहिता संकुचित दिखाई देती है या नजर आती है, संकुचित दिखाई देती है, विस्तृत संदर्भ में प्रशासनिक जवाबदेहिता से तात्पर्य है
विस्तृत संदर्भ में प्रशासनिक जवाबदेहिता से तात्पर्य कि एक लोक प्रशासक से लोक प्रशासक होने के नाते जिस तरह का आचरण और व्यवहार, ठीक है, ये भी तो बहुत जरूरी है ना, जिस तरह का आचरण और व्यवहार अपेक्षित है, उसे पूरा करना, व्यापक प्रशासनिक जवाबदेहिता है, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा विस्तृत या व्यापक परिभाषा हो गई जवाबदेहिता की, एक सिविल सेवक के लिए जो प्रशासनिक जवाबदेहिता तय होती है जिसके लिए, तो स्पष्ट है सिर्फ इतना ही नहीं था कि मतलब उसके द्वारा फैसले लिए गए हैं या उसके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं यही सिर्फ जवाबदेहिता है, नहीं, बल्कि आचरण और व्यवहार में जो उससे अपेक्षा की जा रही है और उनको सिद्ध करे, उनको पूरा करे, वही उसकी जवाबदेहिता है। ठीक है, आगे लिख लेंगे एक और लाइन। अतः जवाबदेहिता की विस्तृत अवधारणा में कुछ आचरण और व्यवहार अपेक्षित शामिल किए गए हैं, ठीक है, अपेक्षित है। जैसे एक लोक प्रशासक के आचरण व्यवहार की बात करें, उसके आचरण व्यवहार में किस तरह के आप तत्व देखना चाहते हैं, किस तरह के गुण देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उन गुणों की बात हो। जैसे एक लोक प्रशासक के अंदर निष्पक्षता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, यही लिख लेंगे। ये क्या है, निष्पक्षता, ठीक है, तार्किकता होनी चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं कि कोई पूर्वाग्रह लेके बैठा और हाँ सब जनता कह रही है, जो भी एक पक्ष कह रहा है उस पक्ष की सुनकर वह फैसला ले लिया और कहा कि नहीं मैं तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं, नहीं, जो अपेक्षित है, जो आपका आचरण व्यवहार आपसे उम्मीद की जा रही है उसको सिद्ध कीजिए, समझे, तो तार्किकता भी होना बहुत जरूरी है। तार्किकता का भी होना जरूरी है आचरण और व्यवहार में। और बताएं, पहले इन्हीं के मुद्दों को देख लो, पारदर्शिता नहीं होगी, पारदर्शिता होनी चाहिए, ये नैतिकता नहीं, नैतिकता में ही विनम्रता वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी, नैतिकता भी तो होनी चाहिए भाई, अंग्रेजों के जमाने के नहीं रहेंगे, सुधार होना चाहिए, राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग, ठीक है,
सीमित राज्य की ओर बढ़ेंगे तो नैतिकता का तत्व भी होना चाहिए, नैतिकता के गुण भी होने चाहिए। सत्यनिष्ठा ये तो बहुत जरूरी है, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, निष्ठता कह लीजिए, और नामिता होनी चाहिए, अनामिता होनी चाहिए, अनामिता होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि भाई हमारा ही नाम हो, अनामिता। नामिता किसके अंदर अंदर होती है? नेता के अंदर, राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिज्ञ के अंदर, नेता के अंदर। नेता चाहता है कि नाम हो ऐसा, ठीक। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। नहीं उसका मतलब ये है उसके पीछे कि देखिए अगर वो अपने कार्यों को ही, ठीक है, अपने कार्यों को ही दिखा रहे हैं, ठीक, मगर उससे कोई लाभ नहीं ले रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं ले रहे हैं, केवल उससे कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये चीज उठती है, कई ऐसे मामले भी आए हैं कोर्ट में, तो उससे कहीं ना कहीं जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट जागता है कि आप जो है मतलब कुछ भी करना, जैसे फेमस होने के लिए कुछ भी करने वाला भाव आ जाता है, तो जो आपके मूल कर्तव्य है उससे भटक जाते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे कई वीडियोज हैं, यूट्यूब चैनल भी हैं जिसपे ऐसा कई लोग जो है अपना वीडियो बना बना करके अपलोड करते हैं, वायरल करते हैं उसको, ठीक है। अभी तो उसमें ऐसा कोई मामला है नहीं, वो बताएंगे। हालांकि कुछ संदर्भ में है तो गलत ही, ठीक है, तो उसमें बताएंगे कि कैसे एक लोक प्रशासक के ऊपर कितना मुकदमा दर्ज होता है, कितना लोक प्रशासक की शिकायतें होती हैं और कितनी उसको सजा मिलती है, असंतुलन कह सकते हैं इसको, राजनीति का असंतुलन, ठीक है। तो राजनीति का असंतुलन अभी बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है उसके साथ, तो तब समझ में आ जाएगा कि हाँ वास्तव में गलत है सही, ओके। तो अनामिता होगी, और बताएंगे न्यूट्रलिटी होगी नहीं कि नहीं, उसको भी देख लेंगे। तटस्थता, इसका मतलब बताया था ना, इसका अर्थ है कि अपने कर्तव्य के प्रति, ठीक है, अपने कर्तव्य के प्रति न्योछावर। और संविधान सम्मतता होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी, संविधान कानून सबसे बड़ा है। संविधान सम्मतता और क्या जोड़ सकते हैं इसमें, थ्री को जोड़ेंगे कि नहीं, थ्री जोड़ सकते हैं कि नहीं, नहीं जोड़ सकते थ्री, ठीक है। क्या बता रहे हैं, अच्छा थ्री ही कैसे, थ्री तो इसमें शामिल इसलिए करेंगे क्योंकि ऐसा नहीं कि जो थ्री में, एक तो इकोनॉमी है, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा आया और खुद ही जो है गायब कर दिया, जिस कार्य के लिए आया है, जैसे बजट बना है, जिस विभाग के लिए जो चीज दी गई है, जितना बना है उतना ठीक से वितरण करे, उतना उस विभाग में दे, ठीक है। दूसरा एफिशिएंसी, कार्यकुशलता, प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस, ये भी शामिल होना चाहिए कि क्या हाँ वास्तव में कार्यकुशलता से ये कुशलता पूर्वक कार्य लिया जा रहा है कि नहीं, ये भी तो उसकी जवाबदेही तो उसका आचरण में आएगा। मान लीजिए कि अगर वो अब बजट आ रहा है और वो उसने अपने आचरण व्यवहार में उस चीज को शामिल नहीं किया कि क्या करना है, कैसे आना है, वो तो आया और जो भी स्कीमें थी उन स्कीमों पर नहीं लगाया, सारा अपने पास रख लिया,
तो इन तीन ई के साथ साथ अगर इनमें से एक भी चीज भ्रष्ट होती है तो सारे जो है आचरण व्यवहार सब बेकार हो जाएंगे। जैसे आपने इकोनॉमी के बारे में पूछा, तो इकोनॉमी में अगर जो भी बजट आया उसको अपने खपाने की बात की, उसे नहीं लगाया सही जगह पे, तो इसका मतलब है कि पारदर्शिता से भी हट गया, कोई मतलब नहीं है, सत्यनिष्ठा से भी हट गया है, निष्पक्षता से भी हटेगा, तार्किकता से भी हटेगा, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए कई अन्य झूठ भी बोलने पड़ेंगे उसको, ठीक है। नैतिकता से तो हटे गई, फिर न्यूट्रल भी नहीं रहेगा, ठीक, न्यूट्रल भी नहीं रहेगा, और भ्रष्ट तो रह गई, भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसका आचरण व्यवहार एकदम बदल जाएगा। उसे इन चीजों को हम शामिल कर सकते हैं, ये आचरण व्यवहार एक होने चाहिए, इनकी अपेक्षा होती है, एक लोक प्रशासक के अंदर इन आचरण व्यवहार की अपेक्षा होती है, ठीक है। तो यही हमने जो प्रशासन जवाबदेहिता उसमें लिखा है कि सिर्फ इतना ही नहीं कि एक लोक प्रशासक अपने निर्णय और कार्यों को संपादित करे वही जवाबदेहिता, बल्कि जवाबदेहिता कुछ इससे बढ़ के भी होती है कि उसके आचरण व्यवहार की जो अपेक्षा की जाए वो उसको सिद्ध करे, पालन करे उसका, वही उसकी जवाबदेहिता है, ठीक है। तो इतना लिख लेता, ये लिख लीजिए पूरे आचरण और व्यवहार, ठीक है, लिख लिया। तो आगे लिखेंगे जवाबदेहिता को, जवाबदेहिता को स्पष्ट रूप से समझने के लिए जवाबदेहिता को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उत्तरदायित्व से इसके अंतर को जानना होगा, उत्तरदायित्व से इसके अंतर को जानना होगा, मतलब उत्तरदायित्व से जवाबदेहिता किस तरह से अलग है उसको जानना होगा, उस अंतर को समझना होगा, अंतर समझ जाएंगे तो जवाबदेहिता और जो है स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उत्तरदायित्व से इसके अंतर को जानना होगा, ठीक है। तो आमतौर पर क्या है, ये दोनों ही समानार्थी माना जाता है इन दोनों को, ठीक है। आमतौर पर उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को ही समानार्थी माना जाता है, मगर कुछ अंतर है, विशेषज्ञों ने, विद्वानों ने कुछ अंतर दिए हैं, उन अंतरों को देख लेंगे। तो दो लाइन और लिखो पहले, आमतौर पर इन दोनों को समानार्थी माना जाता है, इन दोनों को, किन दोनों को, जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व को समानार्थी माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इनमें अंतर खोजने का प्रयास किया, ठीक है, और उनका मानना है कि ये क्या मानते हैं वो देख लेंगे हम। तो एक तरफ उत्तरदायित्व और दूसरा जवाबदेहिता, दोनों ही समानार्थी हैं, देखिए। उत्तरदायित्व की अगर बात करें तो विद्वानों ने कहा कि दरअसल उत्तरदायित्व एक संकुचित विचार है, ये क्या है, एक संकुचित विचार है। क्या आपका उत्तरदायित्व बनता है कि नहीं कुछ, ठीक है,
आपकी जवाबदेहिता, तो जवाबदेहिता थोड़ा व्यापक हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। और बताया जवाबदेहिता एक व्यापक विचार है, जवाबदेहिता एक व्यापक विचार है। उत्तरदायित्व व्यक्तिगत है, ये क्या है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत। और जवाबदेहिता को बताया कि ये संगठनिक है, ठीक है संगठनिक है। यह सामुदायिक है, ठीक। उत्तरदायित्व नैतिकता की बात होती है, नैतिक है, नैतिक। और वही जवाबदेहिता की बात करेंगे तो ये वैधानिक है, ये क्या है वैधानिक है। वैधानिक है उत्तरदायित्व का दायरा सीमित है, तो ये सीमित दायरा है। सीमित दायरा, वही जवाबदेहिता का विस्तृत दायरा है। विस्तृत दायरा, विस्तृत दायरा है। ठीक है, तो ये दोनों में कुछ अंतर है। अगर हाँ क्षेत्र विशेष में सीमित उत्तरदायित्व की बात होगी तो बन जाएगा प्रतिदायित्व, ठीक है। तो क्षेत्र विशेष में उत्तरदायित्व की अगर हम बात करें तो बन जाएगा प्रतिदायित्व। पढ़ा था ना एक शब्द प्रतिदायित्व, ठीक है। जैसे रास्ते में आप सफर कर रहे हैं और एक एक्सीडेंट हो गया, तो सामान्यतः या तो आप उसको देख करके निकल जाएं, फोटो वीडियो बनाए और निकल जाएं। जबकि मानवता क्या कहती है, नैतिकता क्या कहती है, क्या कहती है नैतिकता, कि आप उसकी हेल्प करें, उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। हालांकि हेल्पलाइन नंबर है, आप अपने घर से तो नहीं कराएंगे, मगर जो एक नागरिक के अधिकार हैं मानवता के नाते नैतिकता के तौर पे, वो तो आप फॉर्मेलिटी करनी ही पड़ेगी, करनी चाहिए। तो जब आप उन कार्यों को कर रहे हैं तो वो है आपका उत्तरदायित्व, ठीक है, वो है आपका उत्तरदायित्व। अब आपने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, कोई मार के गया उसको, पुलिस का मामला बनता है, प्रशासन देखेगा उसको, ठीक है। और आप जो है बहुत परेशान हो गए, पुलिस को फोन कर रहे हैं, पुलिस नहीं आ रही है, पुलिस बात नहीं सुन रही है, आप बता रहे हैं कि देखिए वो मार के गया है मेरी आंखों के सामने, आप उसको पकड़िए, पुलिस उस पर एक्शन नहीं ले रही है, प्रशासन उस पर अलर्ट नहीं है। तो प्रशासन अलर्ट नहीं है तो उससे कोई ना कोई जवाब मांगेगा कि नहीं, ये है जवाबदेहिता। क्लियर हो गया, दोनों में अंतर। भाई आपने उस व्यक्ति को जो कि एक्सीडेंट दुर्घटना हो गई थी, एक नैतिकता क्या कहते हैं कि इस व्यक्ति को हेल्प चाहिए, हेल्प कीजिए इसकी। आपने एम्बुलेंस बुलाए, हॉस्पिटल लेके गए, क्या है इसमें नैतिकता के भाव, नैतिकता के तत्व हैं। आप शामिल थे, व्यक्तिगत संकुचित विचार है आपका ही है, ठीक है, आपने अपने कर्तव्यों का पालन कर लिया,
अगर नहीं करते तो कोई भी कह सकता है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति उत्तरदायी नहीं है। आपने किया तो यह होगा आपका उत्तरदायित्व, ठीक है। जैसे आपने बताया पुलिस को इन्फॉर्म किया, क्योंकि आपसे फिर मामला बाहर हो गया ना भाई, पुलिस के संबंध में आया, मीडिया भी आई और पब्लिक भी रही जिन्होंने वीडियो बनाए थे, उस व्यक्ति के परिजन भी रहे, रिश्तेदार भी रहे, संबंधित प्रशासन भी रहा, शासन रहा, तो खबर तो फैलेगी ना कि दुर्घटना हुई या कोई मार के चला गया, पुलिस प्रशासन कहाँ था, क्या कर रहा था, कोई जवाब मांगेगा कि नहीं। जो जवाब मांग रहा है वही है जवाबदेहिता, ठीक है, वही है जवाबदेहिता। तो इसमें क्या है, नैतिकता बन गई, फिर वैधानिक वाला मामला आता है, कानूनों वाला मामला आता है, कौन मार के गया, क्या आप राइट साइड थे या नहीं थे, रॉन्ग साइड थे या नहीं थे, क्या स्थिति थी, वो सारा मामला आ जाता है प्रशासन का, ठीक है। तो बहुत धागे भर का अंतर है, बहुत धागे भर का अंतर है दोनों में, ठीक है। आगे लिख लेंगे, जब हम उत्तरदायित्व को, जब हम उत्तरदायित्व को और अधिक, जब हम उत्तरदायित्व को और अधिक व्यवस्थित वैधानिक, व्यवस्थित वैधानिक संगठित और विस्तारित करते हैं, और विस्तारित करते हैं, ठीक है, और विस्तारित करते हैं, शिवानी बताएंगे किस रूप में आता है सामने, किस रूप में सामने आता है। जवाबदेहिता के रूप में, ठीक है। अगर हम उत्तरदायित्व को इनमें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, फिर जवाबदेही बनेगा ना, जवाबदेहिता के रूप में नजर आएगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम से अगर हम बनाएंगे, इन दोनों को दिखाएंगे, तो कौन सा किसके अंदर रखेंगे, किसका गोला छोटा होगा, बोलो किसका गोला छोटा होगा, उत्तरदायित्व का, ठीक है, जवाबदेहिता का गोला बड़ा होगा। तो जवाबदेहिता के अंदर उत्तरदायित्व के गोले को रख सकते कि नहीं रख सकते हैं, ठीक है, तो लिख लीजिए इसी को, विस्तारित करते हैं तो वह जवाबदेहिता के रूप में, तो वह जवाबदेहिता के रूप में आता है, जवाबदेहिता के रूप में आता है। ठीक है, तो देख लेंगे जो प्रशासनिक जवाबदेहिता है, इसकी अपने भी कुछ आधार है, उन आधारों को देख लेंगे, अपने भी सिद्धांतों, सिद्धांतों की बात कर लेंगे। प्रशासनिक जवाबदेहिता कुछ आधार सिद्धांतों पर टिकी है, ठीक है, कि कुछ आधार सिद्धांत पर टिकी है। कौन सिद्धांत की बात कर लेंगे, इसमें आता है पहले समतुल्यता का सिद्धांत,
समतुल्यता का सिद्धांत, समतुल्यता का सिद्धांत। दूसरा वैधानिक सिद्धांत, वैधानिक सिद्धांत। जब हम समतुल्यता के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो दरअसल इसमें दो चीजों की बात आती है, एक सत्ता की और एक दायित्व की। ठीक है, किसकी बात आती है? सत्ता की और दायित्व की, सत्ता और दायित्व। देखिए, जब सत्ता और दायित्व में संतुलन रहेगा, जब सत्ता और दायित्व में, मतलब सरकार के ने जो ठाना था, जो सोचा था, जिस बिना पे वो आए थे, ठीक है, पावर में, सत्ता में, और वही कर रही है, वही कर रही है, तो उसको बोले हम समतुल्यता का सिद्धांत। ठीक है, समतुल्यता का सिद्धांत, तो उसमें लिख लेंगे इसको जरा। जब तक सत्ता और दायित्व, जब तक सत्ता और दायित्व संतुलित बने रहेंगे, जब तक सत्ता और दायित्व संतुलित बने रहेंगे, यह सिद्धांत प्रभावी रहेगा। यह सिद्धांत प्रभावी रहेगा। दूसरा है वैधानिकता का सिद्धांत। देखिए, वैधानिकता की बात आ रही है तो फिर कानूनों की बात आएगी, न्यायिक निर्णयों की बात आएगी, विधान की बात आएगी। तो विधान, कानून, न्यायिक निर्णय, इनको आधार मान के या इनको आधार बना करके स्थापित की जाती है वैधानिकता का सिद्धांत। ठीक है, इसमें लिख लेंगे प्रशासनिक जवाबदेहिता, प्रशासनिक जवाबदेहिता, संविधान, विधान, न्याय के निर्णयों, संविधान, विधान, न्याय के निर्णयों और परंपराओं को आधार बनाकर, और परंपराओं को आधार बनाकर स्थापित की जाती है, स्थापित की जाती है, स्थापित की जाती है। देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो परंपरा में आ गए, जो चले आ रहे हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो चले आ रहे हैं, जिनको बदलने की सरकार में हिम्मत नहीं होती है। जैसे धार्मिक मामले में अगर देखें तो धार्मिक मामले में बड़ा ही लचीला मामला रहता है, कोई भी सरकार है क्या, कोई भी सरकार हो, तो कोई भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने से सीधे तौर पर बचती है, तो उसका नुकसान भी हो सकता है। इसे संविधान ने ही बड़ा सूझबूझ से इसके बारे में लिखा है, किसी को फोर्सली ये नहीं कहा गया कि आप जो है इसी धर्म को मानेंगे, ये भी नहीं रोका गया किसी को कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, ये भी नहीं रोका गया किसी को कि कोई कौन सा धर्म अपनाए वो उसकी स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अब इसको कोई लोक प्रशासक कहे कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं अगर इस धर्म का हूं तो जहां मैं रहूंगा उसी धर्म को मानने वाले लोग रहेंगे, बाकी नहीं, नियम कानून लगा दिया, फॉलो कर दिया धारा 144। ठीक है, तो ऐसा संभव है नहीं, है ना, ऐसा ऐसा संभव है ही नहीं। ठीक, तो इसलिए मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ जो नियम है, विधान है, परंपराएं हैं, उनके आधार या उनको आधार बना करके भी चलना पड़ता है, और वही है वैधानिक सिद्धांत, वही है
वैधानिक सिद्धांत। आगे एक इसमें पढ़ा जाएगा वैधानिक अपेक्षा का सिद्धांत, तीसरे नंबर पे वैधानिक अपेक्षा का सिद्धांत। लेकिन जब अपेक्षा की बात आती है तो इसका मतलब कोई उम्मीद लगाए बैठा होता है, तो वैधानिक अपेक्षा का सिद्धांत। तो देखिए जब अपेक्षा की बात आई मैंने कहा उम्मीद लगाई बैठा तो इसका मतलब जो राज्य है एक लोक सेवक से, उस राज्य में एक लोक सेवक से कौन उम्मीदें लगाएगा, जनता। ठीक है, तो एक लोक प्रशासक से जनता की कुछ उम्मीदें होती हैं, जनता की कुछ उम्मीदें होती हैं, उन्हीं उम्मीदों को बोलते हैं वैधानिक अपेक्षा, इन्हीं उम्मीदों को बोलते हैं वैधानिक अपेक्षा। और यही मैंने स्टार्टिंग में बोला था, यही अपेक्षाएं किसको जन्म देती हैं, जवाबदेहिता को। ठीक है, यही वैधानिक अपेक्षाएं क्या है, जवाबदेहिता को जन्म देती हैं। जैसे साहब हमारे साथ न्याय होना चाहिए, नहीं अपेक्षा करते हैं जनता, इस क्षेत्र में बलात्कार लूट चोरी डकैती अपराध नहीं होने चाहिए, अपेक्षा है। ठीक है, अपेक्षा है, इन अपेक्षाओं पे अगर वो खरा नहीं उतरता है तो जवाबदेहिता होगी कि नहीं उस लोक प्रशासक की। भाई जनता चाहती है सुकून से लड़ाई झगड़ा ना हो, दंगे ना हो, बलात्कार ना हो। अगर लोक प्रशासक अपने कार्यों को ठीक से निभा रहा है, संपादित कर रहा है अपने निर्णयों को, जो उससे अपेक्षा की जा रही है उनको ठीक से पूरा कर रहा है, उनको औचित्य तक पहुंचा रहा है, तब तो ठीक है। अगर मामला कहीं गड़बड़ हो गया, कहीं चोरी दंगा बलात्कार ऐसी घटना हो गई, तो जनता जवाब मांगेगी नहीं, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोलते कि नहीं ऐसे, ऐसा तो नहीं है कि कॉन्फ्रेंस करने के लिए कोई बिजनेसमैन आएगा कि नहीं नहीं आपके यहाँ अपराध हुआ तो हम रोकेंगे, नहीं वही लोक प्रशासक आएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि जनता जवाब मांग रही है, दीजिए जवाब, आप इसके लिए जवाब दे हैं। ठीक है, तो जो अपेक्षाएं हैं जनता की वही जन्म देती है किसको, जवाबदेहिता को, अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है, तो वही लिख लेंगे इसके बारे में। तो हमें मान मुझे उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा के लिए मुझे लगा होगा जवाबदेहिता में क्या है, मामला नहीं हुआ अभी भी है? क्या उद्देश्य, नहीं उद्देश्य अलग है, अपेक्षा है मतलब जैसे आप क्या चाहते हैं, उम्मीद आप अपने जैसे जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं तो आप यही उम्मीद लगाते हैं एक समाज के तौर पे कि हमारा जो क्षेत्र है, हमारा मोहल्ला कॉलोनी जो है, यहाँ पे अपराध ना हो, चोरी ना हो, छेड़खानी ना हो, बलात्कार जैसी घटनाएं ना हो, मर्डर ना हो, ये चीज़ तो अपेक्षा है ना जनता की। लोक प्रशासन और कैसी अपेक्षा करते हैं, यही अपेक्षा तो करेंगे ना। आप भी IAS बनेंगे IPS बनेंगे तो आपसे यही उम्मीद की जाएगी ना, जो आप भाई जिस जिले के पुलिस कप्तान बनेंगे, जिलाधिकारी बनेंगे, तो आपसे जनता यही तो उम्मीद लगाएगी, क्यों कोई उम्मीद लगाएगी कि भैया 5 किलो राशन दे दो, ये भी लगाएगी, इसका भी मामला अलग आएगा बताएंगे। मगर प्रथम दृष्टया तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, अपनी सुरक्षा की बात करेगी जनता। ठीक है, तो जनता जो अपेक्षा करती है एक लोक प्रशासक से, वही अपेक्षाएं वैधानिक अपेक्षाएं जन्म देती हैं जवाबदेहिता को, और वही अपेक्षाएं हैं वैधानिक अपेक्षा, इसी को बोला जाता है वैधानिक अपेक्षा का सिद्धांत। ठीक है, तो अपेक्षा उम्मीद है ना कि लक्ष्य, लक्ष्य नहीं है उम्मीदें हैं। जैसे आप किसी को उम्मीद लगाते हैं नहीं लगाते हैं, आप किसी उम्मीद नहीं लगाते हैं, लगाते हो ना कि नहीं जनता की नहीं, जनता अपने अलग कर्तव्य है, उसके कर्तव्य है। ठीक है, जनता उम्मीद तो लगाएगी ना कि हम सुरक्षित रहे, हाँ
हाँ, लोक सेवकों का हो जाएगा, वो लोक सेवकों का औचित्य लक्ष्य वो हो जाएगा। जैसे जनता कह रही है सर हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में चोरी बहुत होती है, ये चोरी को बंद करवाइए, ठीक है, तब लोक प्रशासक का उद्देश्य हो जाएगा कि हाँ चोरी बंद करानी है, ठीक है, और नहीं बंद होगी तो जवाबदेह है कि नहीं जनता के प्रति है वो जवाबदेह, ठीक है, तो ये चीज है उसमें लिख लेंगे। इसमें वैधानिक अपेक्षा का सिद्धांत, तो जनता को एक लोक प्रशासक से, जनता को एक लोक प्रशासक से कुछ उम्मीदें होती हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं जिन्हें उनकी वैधानिक अपेक्षा कहते हैं, जिन्हें उनकी वैधानिक अपेक्षा कहते हैं, और ये अपेक्षाएं ही प्रशासनिक जवाबदेहिता को जन्म देती हैं, प्रशासनिक जवाबदेहिता को जन्म देती हैं। ठीक है, एक सिद्धांत को जोड़ा गया है इसमें, व्यावसायिकता का सिद्धांत। सिद्धांत, इस सिद्धांत के बारे में देखने को देखिए, व्यावसायिकता का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो हर एक व्यवसाय के अपने कुछ उसूल होते हैं, नहीं होते हैं? उसूल होते हैं, उन उसूलों से बाहर जाए, जैसे मान लीजिए कोई अगर व्यापारी है व्यवसाय कर रहा है तो कुछ दवाओं की कीमत एक निश्चित है, सबको पता है, मगर कोई ऐसा डॉक्टर हो या मेडिकल वाला फार्मासिस्ट हो कि उन दवाओं को बढ़ चढ़ के बेच रहा है, मतलब पूरा जो मार्केट का लेवल था, बिजनेस का लेवल था, उसको तहस नहस कर दे रहा है। तो जो व्यवसायी है उनकी भी क्या होगी, अपेक्षा होगी, उनकी भी अपेक्षा होती है, तो सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है, तो इसलिए ये वाला सिद्धांत बोले नहीं, व्यवसायिकता का सिद्धांत। देखिए इसमें प्रत्येक व्यवसाय के कुछ आधारभूत नियम होते हैं, कुछ आधारभूत नियम होते हैं, परंपराएं होती हैं और उनके अनुरूप आचरण करना, प्रशासनिक जवाबदेहिता है, ठीक है। तो ये है जवाबदेहिता का अर्थ। अब आगे जवाबदेहिता के प्रकार देख लेंगे, स्टार्टिंग में लिखा था कि नहीं, ये पूरे जवाबदेहिता के अर्थ में आ जाएगा, ठीक है। अब जवाबदेहिता के प्रकार, तो सबसे पहले कौन सी जवाबदेहिता के बारे में पढ़ेंगे बताइए, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी, तो जवाबदेहिता के प्रकार, तो विधायी जवाबदेहिता, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी की बात कर लेंगे, विधायी जवाबदेहिता। तो विधायी जवाबदेहिता की बात अगर हम जब करते हैं
तो इससे मतलब ये होता है कि जो सांसद है हमारे, सांसद है मैं, जो विधायिका है, सांसद और विधायिका के प्रति एक लोक प्रशासक की जवाबदेहिता क्या होगी? ठीक है, सांसद ये लोक विधायिका के प्रति एक लोक सेवक की क्या जवाबदेहिता है, वो पढ़ेंगे हम विधायी जवाबदेहिता में, या उसको बोला जाएगा विधायी जवाबदेहिता। क्या जब आप आईएएस आईपीएस बन जाएंगे तो सांसद को जवाब नहीं देना देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना, सरकार को जवाब नहीं देना पड़ेगा क्या? मंत्री को जवाब नहीं देना पड़ेगा क्या? आप सचिव बन जाओगे, रिपोर्ट करोगे मंत्री को, जवाब दोगे, देना पड़ेगा जवाब, और यही है जवाबदेहिता। ठीक है, कौन सी? विधायी जवाबदेहिता। इसके अर्थ को देख लेंगे, अर्थ सबसे पहले अर्थ इसका मीनिंग समझ लेंगे। मीनिंग तो सांसद में मतलब संसद या विधायिका, ठीक है, के प्रति एक लोक प्रशासक की जवाबदेहिता ही क्या कहलाती है? विधायी जवाबदेहिता कहलाती है। सांसद, मंत्री, संसद, विधायिका, इनके प्रति एक लोक प्रशासक की जवाबदेहिता ही क्या कहलाती है? विधायी जवाबदेहिता। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। इसकी नेचर के बारे में देखना है, प्रकृति की कैसी जवाबदेहिता होती है, सीधी होती है, मतलब प्रत्यक्ष होती है या अप्रत्यक्ष होती है? ठीक है, प्रकृति, प्रकृति की बात कर लेंगे। तो मुझे बताइए, अगर आप आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, तो सीधे तौर पे किसी मंत्री विधायक को रिपोर्ट करेंगे अपने कार्यों की? नहीं करते ना, मतलब नहीं, सीधे नहीं करेंगे ना। तो अप्रत्यक्ष नेचर, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रकृति की जवाबदेहिता है। आप देख रहे हैं उपकरण, उपकरण मतलब अगर आप एक लोक प्रशासक होते हुए अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, या आपकी जवाबदेहिता बनती है, तो फिर जो संसद है, विधायिका है, आप पे क्या क्या एक्शन ले सकती है, या मतलब क्या क्या हो सकता है? ठीक है, तो जैसे आप अंडरटेनिंग रहेंगे तो अंडरटेनिंग में आपको सबसे पहले मिनिस्ट्री के ही दर्शन कराए जाएंगे, मंत्रालयों के ही दर्शन कराए जाएंगे। वहां काम करने का सौभाग्य मिलेगा आपको, मंत्रियों के बीच, सांसदों के बीच रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब प्रश्नकाल चलता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, विपक्ष सवाल करता है, तो उनके जवाब भी देते हैं नेता लोग, नहीं देते, मंत्रीगण, नेता लोग जवाब भी देते हैं। अब वो जवाब आप उम्मीद करके देखिए, क्योंकि इनके लिए कोई योग्यता का वाला मामला तो है नहीं। आपको सामने विपक्षी जवाब पूछ रहा है कि बताइए आपने इस प्रोजेक्ट पे काम क्यों नहीं किया, आपने जनता को गुमराह किया, जवाब दीजिए कहां तक पहुंचे। और उसका जवाब कौन बनाएगा? आप बनाएंगे, लोक प्रशासक बनाएगा जवाब। ठीक है, तो सीधे तौर पे यही चीज है जो विधायक या विधायी जवाबदेहिता है, वो अब दर्शक जो है यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, यहीं से शुरुआत होती है। तो कुछ उपकरण है, नाम लिखेंगे उसमें, लिखने जैसे प्रश्नकाल वगैरह, शून्यकाल, संसदीय चर्चा, ये सारी चीजें। प्रश्नकाल, शून्यकाल, संसदीय चर्चा, ये सब करना पड़ेगा।
हाँ बिल्कुल, जवाब बेटा यही चीज तो है। यही तो है, इतना आसान नहीं है। एक सेकंड, विपक्ष पूछेगा सत्ता वाली पार्टी से। हाँ, तो मैं बनाना है तो ये तुम बोले वो तो हो नहीं ना भाई, हम तो एक सहायक के तौर पे है ना, तुम नेता थोड़ी ना हो। जो सवाल पूछा गया तो आपने नोट कर लिया, उसका जवाब आपने लिख दिया, मंत्री ने पढ़ दिया, बस ये है। हाँ, अरे तुम अपनी पावर कम समझ रहे हो क्या? हाँ? क्या बता रही? हाँ तो वो तो रहेगा ही, आप अपना नाम नहीं कर सकते ना, तभी तो कहा कि एक सिविल सर्विस में अनामिता वाला तत्व होना चाहिए ना। ये नहीं कि नए नए मंत्री जी तुम हटो, तुम आठ ही पास हो, तुमसे कुछ नहीं आता है, हम बोलेंगे तो इतने झापड़ मारेगा ना वही। हालांकि ऐसा करेगा नहीं, होता है उसे ये, मगर फिर भी फटकार तो अच्छी लगा देगा ना। देखिए वो जनप्रतिनिधि है, इतनी जनता इकट्ठी कर देगा, क्या आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे? धरना प्रदर्शन कर देगा, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देगा प्रधानमंत्री के, तो इसलिए ये भी नहीं कि आप जो सोचो कि बस आईएएस बन गए तो सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, तो ये है कि आपको रखा हुआ है, स्टार्टिंग में जब आपने पढ़ा होगा बताया गया था कि एक सहायक के तौर पे काम करते हैं, मतलब दोनों का तालमेल होना चाहिए, किसका? शासन का और प्रशासन का। ठीक है, कौन सा दृष्टिकोण होता है? निर्भर दृष्टिकोण होता है, ना कि स्वतंत्र। तो निर्भर दृष्टिकोण वाले तत्व को, अवधारणा को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो विपक्ष से सवाल पूछता है तो जवाब आप ही को बनाना पड़ेगा, पढ़ेगा कोई और, तो देखिए नामिता उनकी होगी, यहाँ पर नामिता में रह जाएंगे, होता ही ऐसे। ठीक है, तो प्रश्न काल हो, शून्य काल हो, संसदीय चर्चा हो, या कोई प्रस्ताव लाना हो, प्रस्ताव, ये सारी चीजें प्रस्ताव में जैसे कि माननीय सभापति महोदया, मैं इस विषय पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, तो ध्यान आकर्षण। ठीक है, आप सोचिए कि इतने इतने ऐसे जटिल क्लिष्ट शब्द क्या कोई नेता बोल लेगा ऐसे, ध्यान आकर्षण। मतलब कुछ है, बहुत पढ़े लिखे भी नेता है, अब हल्के में ना लीजिए, बहुत पढ़े लिखे भी नेता है, मगर कुछ जो है लालू टाइप, समझे, स्टार्ट से भी है, मतलब मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ चीजें हैं उनके अंदर भी ऐसे, और भी आपके मनों में चलते रहे हैं नाम, ये पसीने तौर पे नाम नहीं ले सकते हैं आप लोग भी, हैं? क्या चल रहा है उनका? लहर चल रही है, अच्छी मेरा लहर चल रही है। तो ध्यान आकर्षण, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास स्थगन, अविश्वास स्थगन प्रस्ताव समितियों की जांच, ये सब करना पड़ेगा आपको, पूरा मंत्रालय के बारे में जानकारी हो जाएगी, समितियों की जांच, नियंत्रक महालेखा की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट, मगर क्या है वर्तमान समय में ये सारे उपाय, ये सब क्या है, कमजोर हो जा रहे हैं, ये सारे उपाय कमजोर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। कौन सवाल पूछता है? विपक्ष है ऐसा दमदार नहीं है, समझ रहे, ये वाली बात है। तो विपक्ष ऐसा दमदार नहीं, विपक्ष भी दमदार होना चाहिए, ये सारी चीजें आते हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा, सब सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो
तो विधायी जवाबदेहिता के बारे में देख लिया, तो ये तो चलो राजनीति वाला विचार ज्यादा लगता है, अब जो असली खेल जहां खेलेगा वहां पे आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कार्यपालिका वाला, ठीक है। तो कार्यपालिका जवाबदेहिता ये नोट हो गया, कार्यपालिकीय जवाबदेहिता की बात कर लेंगे। अब बताइए इसमें लोक प्रशासक किसकी प्रति जवाबदेह होगा? सरकार के प्रति। कार्यपालिका से मतलब क्या है यहाँ? मेन चीज है अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है। अस्थायी कार्यपालिका मतलब खुद ब्यूरोक्रेट्स की ऊपर की हायर की, नहीं खुद ब्यूरोक्रेट्स की ऊपर की हायर की। एक ब्यूरोक्रेट आप डीएम है तो आप जो है डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर उससे ऊपर, हाँ हाँ बिल्कुल स्थायी, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो स्थायी कार्यपालिका है वो रिपोर्ट करेगी किसको? अस्थायी कार्यपालिका को, ठीक है। जैसे आप ब्यूरोक्रेट्स हैं तो आप सरकार को भी रिपोर्ट करेंगे, सचिव हैं मंत्री को रिपोर्ट करेंगे, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। मतलब प्रशासक हैं तो शासन को रिपोर्ट करेंगे। इसमें कार्यपालिका विधायी जवाबदेहिता में इसके अर्थ में लिखेंगे जो अस्थायी कार्यपालिका है, ठीक है। तो अस्थायी कार्यपालिका के प्रति स्थायी कार्यपालिका की जवाबदेहिता, ठीक है। अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका मतलब बोलो मंत्री वगैरह ये सब चीज के प्रति स्थायी कार्यपालिका की जवाबदेहिता। स्थायी कार्यपालिका मतलब ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह की जवाबदेहिता क्या कहलाएगी? कार्यपालिका ही जवाबदेहिता। इसकी प्रकृति के बारे में बात कर लेंगे। प्रकृति तो सीधे तौर पर होती है या नहीं होती है? सीधे तौर पर होती है कि नहीं? सीधे तौर पर होती है, ठीक है। डेली जो है कोई भी शासन से आदेश आया तो रिपोर्ट मांगी जाती है, ठीक है। रिपोर्ट मांगी जाती है, सचिव रिपोर्ट करते हैं उस विभाग के मंत्री को, ठीक है, क्या भी क्या हुआ, ये सर ये स्थिति चल रही है इस टाइम पर, ये स्थिति चल रही है, ठीक है। तो प्रकृति क्या है? प्रत्यक्ष है। तो ये कभी कभी होता है या नियमित होता है? नियमित होता है ना, हर रोज रिपोर्ट देनी पड़ती भाई, हर रोज जवाब देना पड़ेगा। जब आप एक ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे, आप डीएम बनेंगे, हर रोज शासन को रिपोर्ट जाएगी, बताइए अपने जिले की स्थिति क्या चल रहा है, अपने मंडल की स्थिति बताइए, ठीक, अपने प्रदेश की स्थिति बताइए। ये सारी रिपोर्ट क्या है? देनी पड़ती है डेली नियमित। तो प्रकृति कैसी है? प्रत्यक्ष है, नियमित है। ऊपरी है गहरी है? ऊपरी है गहरी है? गहरी है भाई, ठीक है। ऊपरी तौर पर नहीं क्या टाल, आज नहीं कल पूछना मुख्यमंत्री साहब, कल पूछना प्रधानमंत्री जी, कल पूछना, आज नहीं, आज मन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होगा ना। तो प्रत्यक्ष है, नियमित है और गहरी है या गहन है इसकी प्रकृति। अगर नहीं करेंगे तो तब क्या होगा? वो उपकरण भी है इसके पास, अस्थायी कार्यपालिका के पास। तो क्या क्या कर सकते हैं आपके प्रति या आपके खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं बताइए, क्या क्या कर सकते हैं बताओ।
अरे सस्पेंड कर हो जाओगे, पहले नियुक्ति तो कर लो, आप लोग इलेक्शन ठीक नहीं हो बेटा, समझे? अगर एकदम निपटा देना है, कुछ नहीं जवाब देता हमारे, कुछ नहीं है। ठीक है, सस्पेंशन इतना आसान भी नहीं है एक नौकर साहब का, ठीक है, शाह जुड़ा हुआ है ना उसके पीछे, और शाह की तो आजकल आप देख ही रहे जलवे हैं, नियुक्ति हो गया स्थानांतरण, ठीक है, जैसे रिपोर्ट नहीं दे अच्छे गड़बड़ा चलो फेंको इसको मुख्यालय में स्थानांतरण ट्रांसफर, ठीक, पदस्थापन या पदस्थापन, इस विभाग का अधिकारी बना दिया, उस विभाग का अधिकारी बना दिया, इस पद पे कर दिया, उस पद पे कर दिया, अनुशासनात्मक कार्रवाई, ठीक है, इसलिए आप देखोगे कि भाई जब मंत्री मंत्री आता है निकलता है जाता है कहीं तो बड़ी ठीक ठाक व्यवस्था रखनी पड़ती है, पूरा पुलिस प्रशासन शासन सब लोग अलर्ट रहता है, ठीक, और आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, ये सब प्रोटोकॉल में भी आता है आचार संहिता, ठीक। अब देखिए सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि भाई ऐसा होता तो कितना अच्छा आता होता, मजा आता कि एक व्यक्ति की व्यक्ति एक लोक प्रशासन की जो है सभी के प्रति जवाबदेहिता है, जब जवाबदेहिता रहेगी तो सारे कार्य अच्छे से होंगे भी, तो अच्छा लग रहा है, मगर समस्याएं क्या आती हैं वो समस्याएं देख लेंगे और नतीजे निकाल लेंगे आपकी क्या समस्याएं आती हैं इसी में, समस्याएं क्या आते हैं कब आते हैं। जब प्रशासन का राजनीतिकरण हो जाता है या लोक सेवाओं का राजनीतिकरण हो जाता है तो न्यूट्रलिटी से दूरी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाती है, नहीं बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सिफारिशों का आया आपकी सिफारिश से, एक तो आप ऑलरेडी आईएएस आईपीएस है ऊपर सिफारिश भी है तो आप जो चाहेंगे मनमर्जी वो कर सकते कि नहीं, मान लीजिए आप भी जो है ये और वो भी ये थे, ये इन्होंने आपको भेजा, ठीक है, सिफारिश भी है आप आईएएस भी हैं, तो एक डर तो ये निकलेगा कि अगर कुछ करूँगा तो कुछ होने वाला है नहीं, संभाल लेंगे, ठीक है, ये वाली भाव है कि नहीं, सुनना नहीं। तो जब राजनीतिकरण हो जाएगा तो जो न्यूट्रलिटी है उससे दूरी कम होगी कि नहीं, उससे दूरी कम हो जाती है, ये भी समस्या है ऐसी, समझे, एक कुछ लोग बुरा लग रहा है कि लिख दिया तो ये लिख दो, ठीक है, ये लिख दो और क्या, ये लिख दो, ठीक है, ये भेज रहे हैं इनको भेजा, और कौन सी है, केजरीवाल कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, आपने इसलिए आपने देखा होगा जैसे जैसे सरकार बदलती है तो लोग प्रशासक भी चेंज हो जाते हैं, नहीं होते हैं, पूरा मंत्रिमंडल तो होता ही है नया और जो लोग प्रशासक हैं वो सब चेंज हो जाते हैं, जैसे सरकार बदलेगी तो आप देखना ज्यादातर जिलों के जिलाधिकारी पुलिस कप्तान चेंज हो जाएंगे, जितने भी अधिकारी थे उच्च अधिकारी थे सब चेंज हो जाएंगे, अपनी मनपसंद के लेके आएंगे, तो अगर लोक प्रशासन का या लोक सेवाओं का राजनीतिकरण होता है तो फिर ऐसे में न्यूट्रलिटी से दूरी बढ़ेगी, ठीक है, एक समस्या तो ये है राजनीतिकरण, तो फिर जवाबदेही वाला मामला बनता है, अरे छोड़ो ना यार बाद में देख लेंगे जी कोई दिक्कत नहीं, ये वाली बात आएगी कि नहीं, तो तटस्थता से दूरी,
क्रिप्टोक्रेसी आई कि नहीं, चोर तंत्र, भ्रष्ट सरकार, ठीक है, चोर तंत्र, क्लिप्टोक्रेसी, चोर तंत्र। तो इस क्लिप्टोक्रेसी को क्यों इस्तेमाल किया गया शब्द को, इसका मूल अर्थ क्या है कि जब सरकार, ठीक है, सरकार और प्रशासन दोनों ही भ्रष्ट हो जाए, मतलब शासन और प्रशासन दोनों ही भ्रष्ट हो जाए, तो कब तब कैसा तंत्र बनेगा, चोर तंत्र, क्लिप्टोक्रेसी बनेगी। दोनों ही मतलब चोर चोर मुशेरे भाई हो गए, यहाँ नहीं हो गए कि मैं तेरी नहीं बताऊंगा तो मेरी मत बता, ये समझे, ये वाली स्थिति हो गई, तुम मुझे खुंड मत में आजादी ऐसा वाला नहीं है, तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ये वाला भाव रहता है। जनता से पैसे लिए जाएंगे तो रुपए जाएंगे, ये चीज चोर तंत्र आएगा। अनामिता से दूरी रहेगी नहीं रहेगी, अनामिता से दूरी, अनामिता से दूरी, अनामिता की लड़की का नाम नहीं है वे, हाँ अनामिता से दूरी, ठीक है, फिर तो नेम चलना चाहिए कि आईएएस फला सिंह, आईपीएस ये वो ऐसे, ठीक है, तो कोई कार्रवाई नहीं है भाई, तो राज चल रहा है, राजकाल है, ठीक, ऐसे में कुछ भी मामला हो सकता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अंश असंतुलित राजनीति हो रही है, नहीं असंतुलित राजनीति, असंतुलित राजनीति। अब देखिए असंतुलित राजनीति का कितना को प्रभाव पड़ सकता है, कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है, देखिए एक स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। स्ट्रक्चर बनाएंगे डाउनवर्ड नीचे, तो सिविल सेवक पे आरोप लगते हैं कुछ इस तरह से, तो ये है सिविल सेवक पर आरोप, सिविल सर्वेंट पर आरोप। अब कहते ये क्या है, ये तो लाइन की चीज है, अभी आरोप लगी है ना, एक लाइन खींच दी है, उसके बाद में इन पे जो मुकदमे दर्ज होते हैं वो तो किस तरह के होते हैं, तो मुकदमे दर्ज होते हैं कुछ इस तरह से, इतने सिविल सर्वेंट पर मुकदमे दर्ज, समझ रहे अंतर कुछ दिख रहा है मगर नहीं ना, चल अभी बताएंगे नहीं, थोड़ा खोपड़िया को लगा, मुकदमे दर्ज हो गए और फिर इन पर सुनवाई, ठीक है, तो सिविल सर्वेंट पे दर्ज मुकदमों की सुनवाई, तो यहाँ पे था इतना, अब सुनवाई देख लेंगे, तो ये है सिविल सर्वेंट पर दर्ज मुकदमे की सुनवाई, कुछ समझ पा रहे हैं नहीं, नहीं चलो ठीक, और फाइनली देख लेंगे जो सिविल सर्वेंट है उनको सजा कितनी मिलती है, तो सजा यहां दिखा दूं, ये सजा है, ये सजा है, नहीं समझे अभी, कुछ ऐसे देख रहे हैं क्या हो गया, सिविल सर्वेंट को सजा अब अभी भी समझ में नहीं आया ना, चलो अब ऐसे मिला तू,
इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। अब देखिए सिविल सर्वेंट पे आरोप जो लगते हैं, एक मान लीजिए एक बड़ी रेखा दिखाई है ना, इसका मतलब है कि बड़े दायरे पे आरोप लगते हैं। आप लोग प्रशासक रहेंगे तो आरोप लगेंगे भ्रष्टाचार के, ये बहुत भ्रष्ट है, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट पे आरोप लगेंगे इतने, इन पे मुकदमे दर्ज होंगे इतने, मतलब इस लाइन से ये लाइन छोटी है कि नहीं है, तो मुकदमे दर्ज होंगे कम, जितने आरोप लगे थे उससे कम, और जितने मुकदमे दर्ज हुए थे उनमें भी क्या है सुनवाई उससे भी कम मुकदमे पे होगी, सुनवाई क्या है उससे भी कम मुकदमे पे हो रही है, और सजा तो आप देख रहे हैं इक्का दुक्के को ही हो रही है, जो हत्ते चढ़ गया ये जबरिया जो हत्ते चढ़ गया होंगे। तो ये सारा परिणाम किसका है, असंतुलित राजनीति का है, नहीं है ये असंतुलित राजनीति का है। तो देखिए एक बात आपसे बता दूं कि बेटा अगर अपने जमीर को मार करके नौकरी करनी है, आईएएस की नौकरी करनी है, आईपीएस की नौकरी करनी है, तो ऐसी नौकरी करने से कोई फायदा नहीं है। ये प्रथम दृष्टया भले ही नजर आ रहा हो कि चलो अच्छी बात है, नेताओं से बात है, मंत्री से बात है, सारे काम हो जाएंगे, पैसा आएगा खूब, वो तो ठीक है, मगर सोच के देखिए जब आप भ्रष्ट हो जाएंगे तो जो आपने अपना महल बनाया होगा ना, उन महल की हर एक ईंटों के नीचे कोई ना कोई आपने सर को दफन किया होगा, किसी ना किसी गरीब को दफन किया होगा, किसी ना किसी के सर को कलम किया होगा। आप अपना जमीर बेच चुके हैं, इसलिए अगर नौकरी करनी है तो जमीर को जिंदा रखे, ईमानदारी से करनी चाहिए, भले ही थोड़ा कम पैसा होगा तो सुकून रहेगा, और आप भ्रष्ट रहेंगे तो स्थिति आपकी ये रहेगी कि बेटा अगर आप वाली सरकार नहीं आई ना तो फिर आपको जिप्सी में उठा के लेके जाएंगे, जो कभी आपके सामने डरते थे, समझ रहे, टांग के लेके जाएंगे, हथकड़ी दबा के लेके जाएंगे, सजा भी होगी, तो चुनना आपको है कि भ्रष्ट रहना है या ईमानदार रहना है, ये आप ही डिपेंड करेगा। तो असंतुलित राजनीति का अंग बनना है, हिस्सा बनना है, या संतुलित का बनना है, ये आप पे डिपेंड करेगा। परिणाम मैंने बता दिए कि क्या परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। जो नजर तो आ रहा है कि हाँ भाई सबसे बात है बढ़िया है, पैसा है, पैसे की कमी नहीं रहेगी भाई, खाओगे तो दाल रोटी और क्या खाओगे, सोने की थाली ले रहे उसमें खा लेना, बस सोने की रोटी तो नहीं खाओगे ना, हीरे की रोटी तो नहीं खाओगे ना, खाओगे गेहूं दाल रोटी इतना ही, ठीक है। तो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है पैसे वैसे के चक्कर में कि बस जो है अपना लूट लेंगे आज तो इस बार तो, ऐसा नहीं। आपने देखो कई ऐसे, सभी नहीं है, कई ऐसे लोग प्रशासक हैं जो वास्तव में सरकार पर ही आधारित है, राजनीति पर ही आधारित है, सरकार बदलती है तो वो भी बदल जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि सरकार के साथ साथ कि वो ही सरकार है तो उसी के गुण गाएंगे हम, क्या आने दो मेरी सरकार तब देखना, अभी तो एक छोटे से कमरे में बैठा हूँ, दफ्तर में बैठा हूँ, मुख्यालय में हूँ, सरकार आई तब निकल के आऊंगा फ्रंट पे, और तब जो है कोयला तेल चारा ये सब चीज सब में शामिल रहूंगा, अकेला व्यक्ति तो नहीं कर सकता ना ऐसे, ठीक है, अकेला तो नहीं कर सकता ना ऐसे, तो कहीं ना कहीं उसका हिस्सा बनते हैं, ईमान बेच देते हैं, तो ईमान नहीं बेचना है, ईमानदारी से नौकरी करनी है, तभी मजा है, तभी लाइफ का असली मजा है। तो कार्यपालिका जवाबदेहिता के, कार्यपालिका ही जवाबदेहिता के बारे में समझ लिया, किस तरह से जवाबदेह होते हैं, और जवाबदेह नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा, ठीक है, किनसे, भ्रष्ट, हाँ जो भ्रष्ट नेता है उन लोगों से हाथ मिलाना होगा, ठीक है, ये चीज है।